नमस्कार, वेलकम टू आरा क्लासेस। आरा क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज 12 सितंबर है। 12 सितंबर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु में महाकवि दिवस कब मनाया गया? तो महाकवि दिवस 11 सितंबर को मनाया गया। एक कवि और स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम सुब्रमण्यम भारती था। उनकी पुण्यतिथि 11 सितंबर को होती है, इसी के लिए महाकवि दिवस 11 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई है? तो हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई। इसमें दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर समीर शर्मा को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो अभी डॉक्टर समीर शर्मा को आंध्र प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन। दोबारा से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ मैं, हाल ही में डॉक्टर समीर शर्मा को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर समीर शर्मा को आंध्र प्रदेश राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड के प्रसार का आकलन करने के लिए सरो प्रोवेलेंस अध्ययन शुरू किया है? तो अभी केरल राज्य सरकार ने कोविड के प्रसार का आकलन करने के लिए सरो प्रोवेलेंस अध्ययन शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देवोज्योति मिश्रा ने किस देश में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार? तो अभी देवोज्योति मिश्रा ने स्पेन में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है। अभी स्पेन में इमेजिन इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है जिसमें इन्होंने सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को उदय भाटिया ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हर्षा बांगरी को किस बैंक का नया MD नियुक्त किया गया है? तो हर्षा बांगरी को एक्सिम बैंक का नया MD नियुक्त किया गया है। एक्सिम बैंक की स्थापना 1982 में हुई, हेडक्वार्टर मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UP नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की आधारशिला किसने रखी है? तो UP नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की आधारशिला हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा रखी गई है। रामनाथ कोविंद जी प्रयागराज की यात्रा पर आए थे और वहीं पर UP नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अत्याधुनिक सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया गया है? तो अहमदाबाद में अत्याधुनिक सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया। इसी के बाद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी ने अपना इस्तीफा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो अभी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में इकबाल सिंह
लालपुरा ने कार्यभार संभाला है। ये पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। इनसे पहले राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष गैरुल हसन रिजवी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कृषि उत्सव नुआखाई मनाया गया है? तो अभी उड़ीसा में कृषि उत्सव नुआखाई मनाया गया है। जो नई फसल तैयार होती है उसका जश्न मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेनमार्क और तमिलनाडु ने किस खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाई है? तो हाल ही में डेनमार्क और तमिलनाडु ने मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो अभी गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2021 में औद्योगिक उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो हाल ही की आई रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2021 में औद्योगिक उत्पादन 11.5% बढ़ा है। एनएसओ की एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार जुलाई 2021 में औद्योगिक उत्पादन 11.5% बढ़ा है। एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं मेरी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से शेयर करें।